आज का हमारा वर्ड ऑफ द डे हाल ही में रिलीज हुई मूवीज फिल्म पंगा से रिलेटेड है। शब्द हमारा है ओड, जो कि एक संज्ञा यानी कि नाउन की तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हिंदी में इसका मतलब होता है कविता, इंग्लिश में इसका मतलब है लिरिक पोयम, टिपिकली वन इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस टू अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट। आइए इसके सिनोनिम्स यानी कि समान अर्थ रखने वाले शब्दों को देख लेते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं वैलेट, कंपोजिशन, पोयम एंड लास्ट वन इज इपोड। अब आइए इसके एंटोनिम्स यानी कि विपरीत अर्थ रखने वाले शब्दों को देख लेते हैं। इसके एंटोनिम्स हैं फ्रेंड्स प्रोजेइक स्पीच, प्रोजेइक राइटिंग एंड लास्ट वन इज प्रोज। अब आइए इसका सेंटेंस में आप किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं उसे देख लेते हैं। तो अंग्रेजी के सेंटेंस में आप लिख सकते हैं पंगा मूवी इज एन ओड टू मदरहुड एंड चेसिंग वंस ड्रीम्स। इसका हिंदी में ये मतलब हुआ कि पंगा फिल्म एक मातृत्व और अपने शब्दों को पीछा करने का एक कविता है। तो दोस्तों आप इस शब्द का इस्तेमाल सेंटेंस में किस प्रकार से करेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और साथ ही फ्रेंड्स जीत एकेडमी 247 को सब्सक्राइब करना ना भूलें।